माय डियर स्टूडेंट, सो इस वीडियो में ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट तथा परचेजिंग पावर पैरिटी, जो इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं, इनके बारे में जानेंगे। सो शुरू करते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट से पहले हम देख लेते हैं निवेश क्या होता है या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम किसी आर्थिक लाभ की आशा से किसी उद्योग, व्यापार, मार्केट में अपना पैसा, रुपया लगाते हैं, कुछ समय बाद हमें कुछ लाभ मिले इसकी हम आशा रखते हैं, तो जो पैसा, जो रुपया या पूंजी किसी उद्योग, व्यापार या मार्केट में लगाया जाता उसे ही निवेश कहते हैं। निवेश क्या है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। हमारे पास एक दुकान है, दुकान में हमने 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का सामान भर दिया। उसके पहले हमने 20,000 रुपये का या 30,000 रुपये का दुकान को बनवाया, तो कुल मिला के हमने 1,00,000 रुपये खर्च किए। 1,00,000 रुपये हमने इसलिए खर्च किए कि हमें कुछ समय बाद उस दुकान से 1,50,000 मिलेगा या 2,00,000 मिलेगा, तो हमें आशा थी कि हम दुकान में जो पैसा खर्च करेंगे वो कुछ समय बाद हमें ब्याज सहित वापस होगा। तो जो पैसा हमने लगाया किसी दुकान में उसे ही हम निवेश कहेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण लेते हैं, दो औद्योगिक क्षेत्र है। एक औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जहां पहले से ही बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं। अब अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पहले से बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं तो वहां बहुत सारी से समस्या हो सकती हैं, जैसे वहां पर प्रदूषण की बहुत समस्या है, गंदगी की बहुत समस्या है, अधिक लोगों का कम क्षेत्र में जमाव है, अपराध की घटना प्राय होती हैं और विकास का केंद्रीकरण होता है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम उस क्षेत्र में निवेश ना करके किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी नए क्षेत्र में जाके हम निवेश करते हैं, वहां विभिन्न अवसंरचना का निर्माण करते हैं और वहां नए सिरे से हम उत्पादन शुरू करते हैं। जब इस प्रकार का निवेश किया जाता है तो उसे ही ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, रिलायंस कंपनी मुंबई क्षेत्र, जो पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र है, वहां निवेश न करके उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, जैसे उदाहरण स्वरूप श्रावस्ती में निवेश करती है। यह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, फिर भी यहां निवेश करना चाहती है और निवेश करती है और इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है, तो इस प्रकार का निवेश ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको भी उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे मुंबई को ही ले लेते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है। अब अगर कोई पुराना औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां पर बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जैसे वहां पर सड़क अच्छी होगी, बिजली की सुविधा होगी, बाजार पूर्ण व्यवस्थित होगा तथा
पता वहां पर हो सकता है कि सरकारी मशीनरी भी नजदीक हो, तो कंपनी को कम दूरी तय करना पड़ेगा। अब अगर कोई कंपनी नए क्षेत्र को न चुनके क्या करती है, पुराने क्षेत्र को ही चुनती है और पुराने क्षेत्र में ही विभिन्न मशीनरी जो लगी हैं उसी को खरीद लेती है और उसमें पुनः परिवर्तन कर प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो उसे हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मुंबई में एक कोई छोटी कंपनी है, उस कंपनी का नाम वॉलमार्ट है, मान लेते हैं। वॉलमार्ट तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मान लेते हैं छोटी कंपनी है वॉलमार्ट। अब वो कहां पर है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में उसने विभिन्न अवसंरचना का निर्माण भी किया है। अब रिलायंस कंपनी क्या करती है, किसी अन्य क्षेत्र में न जाकर, यानी कि श्रावस्ती नहीं जाती है, मुंबई में ही जो सुविधा वॉलमार्ट ने बनाई है, यानी जो अवसंरचना, जो बिल्डिंग व्यवस्था बनाई है, उसी को खरीद लेती है और उसमें सुमन्नत करती है, उसमें कुछ सुधार करती है और पुनः प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार का निवेश ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउन फील्ड निवेश कहलाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेल। अब देखते हैं क्रय शक्ति समता क्या है। पहले देख लेते हैं क्रय शक्ति समता किसने विकसित किया था। जी आर कैसल एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया। इस अवधारणा को IMF द्वारा 1993 से प्रयोग किया जा रहा है। अब उदाहरण के द्वारा हम क्रय शक्ति समता को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण लेते हैं, एक तरफ भारत है, एक तरफ अमेरिका, दो देश हैं। अब अगर नॉमिनल टर्म में देखें तो भारत की GDP लगभग इस समय 3 ट्रिलियन है, वहीं पर अमेरिका की GDP 21 ट्रिलियन है। पहले नंबर पर अमेरिका है और पांचवें नंबर पर भारत है। अब अगर हम PPP पर देखें, यानी क्रय शक्ति समता पर देखें, तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है और उसकी GDP लगभग 11 ट्रिलियन हो जाती है। अब ये कैसे हुआ, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज करिए, कल्पना करिए आप कि आप अमेरिका गए। अब अमेरिका में आप किसी मार्केट में जाते हैं, उस मार्केट में आपने एक सैमसंग का या कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीदा जिसकी कीमत $5,000 है। अब आप कुछ समय बाद भारत आते हैं, भारत आने के बाद आपकी वो मोबाइल सपोज दैट गुम हो जाती है। अब भारत में उसी प्रकार का मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं, आपको यहां केवल $75 देना पड़ता है, यानी ₹5,000 में आपको उसी तरह की मोबाइल मिल जाती है। यहां पर हम अब तुलना करते हैं क्या सामानों का, हम यहां पर पैसे की तुलना नहीं कर रहे हैं, यानी $75 में हमें एक मोबाइल भारत में मिल जाती है, यानी $75 में जो सामान हमें भारत में मिलेगा वो $75 में अमेरिका में हमें वो सामान नहीं मिलेगा, हमें वहाँ $5,000 का मिलेगा। लेकिन जो सामान मिला हमें, जो मोबाइल मिली, वो सेम है, हमें पैसे से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब है सामान से। तो जो हमें सामान मिला वो सेम है, यानी कि भारत का $75 अमेरिका के $5,000 के बराबर है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, आप अमेरिका में ही किसी मार्केट में जाते हैं,
सब्जी खरीदने, आप वहां कोई एक गोभी खरीदते हैं, आपको वहां 10 डॉलर देने पड़ते हैं। अब उसी प्रकार की गोभी है आप भारतीय बाजार में खरीदते हैं तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। यानी गोभी सेम है लेकिन भारत में वो 10 रुपए की है और अमेरिका में 10 डॉलर की है। अगर रुपए के टर्म में हम तुलना करें तो अमेरिका का 10 डॉलर भारत के डॉलर के बराबर, भारत के रुपए के बराबर, 10 रुपए के बराबर नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। यानी कि 750 रुपए की वहां एक गोभी पड़ रही है और भारत में 10 रुपए की पड़ रही है। किंतु गोभी जो है वो सेम है, जो हमें गोभी मिली वो सेम है। तो हम यहां पैसे को हटा देते हैं, किसकी तुलना करते हैं, केवल गोभी की या केवल मोबाइल की। हमें कम पैसे में वही सामान मिल रहा है, ज्यादा पैसे में वही सामान मिल रहा है। तो हमारा जो 75 डॉलर है या 10 डॉलर है वो अमेरिका के 5 डॉलर के बराबर है। हमारा जो 10 डॉलर है या 75 डॉलर है, इसकी मोबाइल और हमने गोभी खरीदी, वो अमेरिका के 5,000 डॉलर या 75 डॉलर के बराबर है। तो अगर हम पैसे की क्षमता देखें तो भारत में हमें उतने ही पैसे में एक विशेष सामान मिल जाता है, किंतु अमेरिका में वो विशेष सामान नहीं मिलता। अब इसी तुलना पर, सामानों की तुलना के आधार पर हम भारत की जीडीपी की तुलना करेंगे। सामानों के आधार पर जो हमने मोबाइल या गोभी खरीदी, उसी आधार पर अगर हम जीडीपी की तुलना करें भारत और अमेरिका की, तो भारत की जीडीपी 11 ट्रिलियन हो जाती है। यानी भारत में जो भी जितना भी उत्पादन हुआ साल भर में, उतना अगर अमेरिका में हुआ होता तो 11 ट्रिलियन की होती। किंतु भारत में हुआ है इसलिए वो 3 ट्रिलियन की है, लेकिन मात्रा, उत्पादन की मात्रा सेम ही है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेल।